नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश जोशी पूछ रहे हैं, सर क्या ये PLR सच में सही है या दिमाग को हिप्नोटाइज कर देते हैं हम, उनके कहने के अनुसार ही वह चीज सोचने लग जाते हैं, कृपया बताइए। देखिए PLR बिल्कुल सही है भुवनेश भुवनेश जी जोशी जी, मैं जोशी बुला रहा हूँ आपको, नाम मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। ये PLR बिल्कुल सही है, लेकिन PLR का आजकल हमने क्या करा है कि मतलब इनका चेंज कर दिया है। कोई तो ये करता है कि PLR के माध्यम से मैं आपकी गई हुई पत्नी या आपके गए हुए हस्बैंड से मिला दूंगा, या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन PLR से क्या मिलता है, देखिए एक हमें सीख मिलती है। मैं आपको, शायद मेरी आवाज आ रही होगी तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर PLR का क्या सीन है, जब भी आप PLR कराओगे इट्स काइंड ऑफ थेरेपी है, उस थेरेपी के माध्यम से आपकी सोल को या आपके भौतिक मन को ये भरोसा दिलाया जा चुका है कि आप जिस शरीर को अपना मानते हो, मतलब इस बॉडी को अपना मानते हो, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। तो PLR के माध्यम से आप अपने पास्ट लाइफ तो देख ही सकते हो, और हिप्नोटाइज जैसा आप बोल रहे हो कि हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। हिप्नोटाइज का मतलब क्या है कि सिर्फ आपके भौतिक मन को शांत किया जाता है हिप्नोटाइज के माध्यम से, ताकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप चेतन मन है, उस तक पहुंचा जा सके। तो भौतिक हिप्नोटाइज करना तो इसका है। और बस इन शॉर्ट कहूंगा कि सच में हाँ PLR सही है, लेकिन इसके मतलब गलत गलत हैं कि मैं उसकी आत्मा से मिला दूंगा, उसकी आत्मा से ये पूछ लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो गलत है। सिर्फ बेसिकली ये एक, उस अगर मैं बताऊं कि सच में ये किस लिए यूज होता है, मान लीजिए ऐसा कोई दुख आपके साथ में चलता आ रहा है बहुत दिनों से कि आपने सारे ट्रीटमेंट उसके साथ में करा लिए, लेकिन आप ठीक होने का नाम नहीं लेते। डॉक्टर एक्सरे करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हड्डी टूटी नहीं है, दर्द हो रहा है, दूसरा ऐसा पेन है कि समझ में नहीं आता कहाँ से आता है। तो एक सोल लेवल पे जो हमारे संस्कार में बैठ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, उस सारी चीज को सही करने के लिए ये एक PLR का माध्यम लिया जाता है, क्योंकि इस थेरेपी के माध्यम से हम आपके सोल तक पहुंचते हैं, आपके अपचेतन मन तक पहुंचते हैं, और आपके सोल को भरोसा दिलाते हैं कि देखिए जो आप सोच रहे हो या जो समझ रहे हो वो सही नहीं है, वो अब पहले से सही हो चुका है। तो उस थेरेपी का सिर्फ इतना सा मतलब है, और इसके माध्यम से आप ये भी समझ लेते हो, अरे पहले भी जीवन था, इस शरीर से पहले भी एक शरीर था, चाहे वो कोई भी किसी भी योनि का रहा है, लेकिन शरीर था। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या है, अभी मैं YouTube पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि हम आपके 60 साल आगे का बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे, हम आपके परिजन की सोल को इससे कनेक्ट करेंगे। अरे बाबा बस करो, रहम करो कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपने धंधे चला रखे हैं। मैं उनके बारे में जज नहीं करना चाहता, मेरा नेचर नहीं है किसी को जज करने का, लेकिन स्टिल कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस मत बनाओ आप। हाँ इससे सर्वाइवल निकालने की सोच रहे हो तो वेल एंड गुड, बट इसको अगर लोगों को बहका के, उनको टेम्प्ट कर करके, उनको तीव्रता का इस्तेमाल कर करके, प्लीज इसको बिजनेस का नाम मत दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच में सफर कर रहे हैं और हेल्प की जरूरत है। तो भावुनेश जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा, अगर मिल गया तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।